हेलो क्लास, दिस इज मोनिका दुआ, योर जीए टीचर। कैसे हो आप? होप अच्छे होंगे। तो आज का जो सेशन है हमारा एनटीपीसी के लिए, वो रहेगा कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है? बिकॉज बाकी वैसे ही एनटीपीसी के लिए नहीं है, मैं आपको एक तरह से कह सकती हूँ कि जितने भी पेपर आप देते हो, जिस भी पेपर में पॉलिटी आती है, देखो सिलेबस सेम होता है, जैसा कि मैं आपको बताऊँ, ठीक है? कहीं पर बस लेवल का फर्क हो जाता है, कहीं ज़्यादा डेप्थ में आता है और कहीं ज़्यादा सर्फेस लेवल का ही आता है। तो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द लेवल, बाकी कॉन्टेंट तो सेम ही रहता है। सो जो भी आप अगर फ्यूचर में एग्जाम दे रहे हो और उसके अंदर जो है पॉलिटी आती है, तो ये पॉलिटी का सेशन आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, क्लियर? सो अब हम लोग देर नहीं करते हैं, फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, लेट्स सी। देखिए क्वेश्चन नंबर वन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लोकसभा। आपको बताना है कि कौन से स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। हुकुम सिंह, जीवी मावलंकर, एम ए अयंगर या नीलिमा सिंह संजीवा रेड्डी, ये आपको बताना है। देखिए अगर मैं बात करूं कि जो फर्स्ट आपके लोकसभा के इंडिपेंडेंट इंडिया के जो स्पीकर रहे हैं वो कौन रहे हैं, जीवी मावलंकर। देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है थोड़ा सा एक बार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को याद करा देती हूँ। अगर मैं बात करूँ आपकी, देखिए आपकी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की 9 दिसंबर 1946 को जो है आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, ठीक है? उस फर्स्ट मीटिंग में जो है आपके कौन बने गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये बने थे आपके क्या, आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट बने थे। लेकिन क्योंकि ये ओल्डेस्ट मेंबर थे, और आपको ये भी पता होना चाहिए ये सिर्फ टेम्प्रेरी थे, ये सिर्फ एक ही दिन के लिए बने थे। उसके बाद आपके कौन बने थे, 11 दिसंबर 1946 की अगर बात की जाए तो आपके कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? तो यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी क्या, कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी वो दो तरह के काम कर रही थी। क्या दो तरह के काम कर रही थी, ध्यान से समझना। अब जो बताने वाली हूँ, एक फ्लो चार्ट से बनाऊंगी मैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वो फ्लो चार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ध्यान से समझना, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, ठीक है, इसके दो तरह के काम थे। एक तो इसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का, ठीक है, जब देश आज़ाद हो गया था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो अभी बना नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन तो ये बना ही नहीं थी। एक तो इसका काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, और एक ये जो काम कर रही थी वो क्या कर रही थी, पार्लियामेंट का, संसद का काम, रोल भी यही निभा रही थी, ठीक है? अब क्योंकि अब हमारा देश आज़ाद हो चुका है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का अगर ये पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था एज अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी की तरह, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि परमानेंट थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर बात की जाए पार्लियामेंट की, ठीक है, तो फर्स्ट स्पीकर कौन थे पार्लियामेंट के, तो वो आपके वही थे जो आंसर है, दैट इज जीवी मावलंकर। और आपको पता होना चाहिए ये जो जीवी मावलंकर हैं ये कब बने थे, ये बने थे 17 नवंबर 1947 को, कब बने थे, 17 नवंबर 1947 को जीवी मावलंकर जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो कि एज अ पार्लियामेंट रोल कर रही थी, तो पार्लियामेंट क्योंकि अब हम आज़ाद हो चुके हैं, 1947 देख लीजिए नवंबर है, तो यानी हम लोग आज़ाद हो गए थे अपने कब, और हम अगस्त में आज़ाद हो गए थे, तब ये जो है एज अ स्पीकर बने थे, फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के स्पीकर, ठीक है? तो ये चीज़ें आप याद रखना, क्लियर? नाउ लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे। येस, हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि इंडिया के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो ये सबको आपको पता है कौन थे, दैट इज वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा जो है और जो है डिप्टी पीएम कौन कौन रह चुके हैं, आपको पता होना चाहिए, मोरारजी देसाई, ठीक है, और चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए और कौन रह चुके हैं, हमारे एलके अडवाणी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये हमारे क्या रह चुके हैं, सारे के सारे हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो रह चुके हैं, आपके देवीलाल भी,
ठीक है, कौन? देवीलाल भी, क्लियर। सो ये सब आपको पता होना चाहिए, ये आपके सारे के सारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। लेकिन अब जो है लास्ट जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? एल के अडवाणी थे। अब जो है डिप्टी पीएम की पोस्ट को खत्म कर दिया गया है, क्लियर। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे। What can be the maximum interval between two sessions of parliament? Parliament के दो sessions के बीच में maximum difference कितना हो सकता है? देखिए maximum जो हो सकता है वो होता है 6 months। कितना हो सकता है? 6 months। पहले तो आपको ये बता होना चाहिए parliament के जो session होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, जो कि आपके paper में भी आया है CGL में, ठीक है। BMW, बी यानी बजट सेशन, बी यानी बजट सेशन, एम यानी मानसून सेशन और W यानी विंटर सेशन, ठीक है। अब इनकी ड्यूरेशन भी पता होनी चाहिए। बजट सेशन कब होता है? फेब से लेकर मई तक, फेब से लेकर मई तक, ठीक है। मॉनसून सेशन आपका कब होता है? जुलाई से लेकर सितंबर तक, ठीक है। और ये कब होता है? ये आपका होता है नवंबर दिसंबर में, क्लियर। ये आपके पार्लियामेंट के सेशन चलते हैं, ये आपको पूरा का पूरा फ्लो चार्ट ऐसे कैसे याद कर लेना चाहिए। बी यानी बजट सेशन, एम यानी मानसून सेशन, डब्ल्यू यानी विंटर सेशन। बजट की ड्यूरेशन, ठीक है, ये सारी ड्यूरेशन आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो दो सेशन के बीच का जो गैप है ये पूछा उसने, तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम हो सकता है 6 months। कितना हो सकता है? 6 months, क्लियर। ये आपको बता होना चाहिए। और एक बात और आपको बता होनी चाहिए, यहाँ पे ऑर्डिनेंस पावर भी बता होनी चाहिए। मान लीजिए हमारी पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है, मान लीजिए हमारी पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टाइम बच जाता है जून का, ठीक है, सितंबर अक्टूबर का, ठीक है, और यहाँ पे लगभग जनवरी का, ठीक है। मान लीजिए इस टाइम पर, किस टाइम पर? जून का, अक्टूबर का और जनवरी का। मान लीजिए इस टाइम पर हमारे को देश में किसी कानून बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय पर क्या होता है, हमारे प्रेसिडेंट जी जो क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस पावर उनको दी गई है, वो एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। किस टाइम पर? जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा होता है, क्लियर। सो ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। और दो पार्लियामेंट के सेशन के बीच में मैक्सिमम कितना डिफरेंस हो सकता है? दैट इज अबाउट अबाउट 6 months। कितना हो सकता है? 6 months, क्लियर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अडॉप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच नेशन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो आपको पता होना चाहिए जो डीपीएसपी है ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से, ठीक है। अगर मैं इसकी पार्ट की बात करूँ तो ये किस में आते हैं? पार्ट 4 में। अगर मैं आर्टिकल की बात करूँ तो आर्टिकल होता है 36 से लेकर 51, ठीक है, ये 7 लग रहा होगा, आई थिंक 51, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये है डीपीएसपी, ठीक है। आपको दे रखा है यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। यूएसए, कनाडा, खैर चलिए यूएसए दे रखा है आपको, पहले यूएसए की बात कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए यूएसए से क्या लिए गए हैं? हमारे फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स का आपको पता होना चाहिए आर्टिकल नंबर, तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक। और अगर पार्ट पूछा जाएगा तो पार्ट आपको पता होना चाहिए 3, पार्ट क्या है? 3। और इसी के अलावा आपकी एक होती है फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई हैं? रशिया से। और आपको ये भी पता होना चाहिए इसका आर्टिकल क्या है। आर्टिकल की अगर बात करूँ तो 51A, और अगर पार्ट की बात की जाए तो पार्ट 4A, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे। द 11th फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई 86 अमेंडमेंट कब? देखिए 11वें मौलिक कर्तव्य के 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में कब जोड़ा गया? तो देखिए आपको पता होना चाहिए 86 अमेंडमेंट जो है वो कब हुआ था? 2002 में। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ, सबसे पहले 42nd अमेंडमेंट जब हुआ, जो कि 1976 में हुआ, तो क्या हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं हमारी ऐड की गई कॉन्स्टिट्यूशन में। जब वो ऐड की गई थी तो वो कितनी थी? 10 थी। आपको पता होना चाहिए 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1976 में, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य हमारे देश के संविधान में, हमारे देश के संविधान में ये ऐड किए गए, बिकॉज जब संविधान बना था उस समय पर ये नहीं थे, और उस समय पर ये कितनी थी? 10 थी। और ये कहाँ से ली गई हैं? रशिया से, जो कि अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। अगर मैं इसके आर्टिकल की बात करूँ तो आर्टिकल नंबर 51A, ठीक है। अगर मैं बात करूं पार्ट की तो पार्ट क्या बन जाएगा? 4A, ठीक है। उसके बाद जो है 86 अमेंडमेंट हुआ 2002 में, और 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है
वो ऐड की गई। और 11th फंडामेंटल ड्यूटी के साथ साथ और ऐड क्या किया गया, एक फंडामेंटल राइट ऐड किया गया, कौन सा, उसको बोला जाता है आर्टिकल 21A, जिसे क्या बोला जाता है, राइट टू एजुकेशन। तो ये याद रखना, ये 3-4 बातें हैं इसी से रिलेटेड है कि 86 अमेंडमेंट 2002 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई है और एक फंडामेंटल राइट में एक क्लोज ऐड किया गया है, दैट इज आर्टिकल नंबर 21A, जो कि आर्टिकल 21A है, जो कि आपके शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड है, जो ये बोलता है क्या, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जानी चाहिए, यानी निःशुल्क एंड अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। क्लियर? सो ये सारी बातें हैं, इनको याद रखना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे। यस, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की रिटायरमेंट एज कितनी है, 70 ईयर्स, 75 ईयर्स, 80 ईयर्स या नो एज लिमिट। देखिए, प्रेसिडेंट की कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती, यानी आंसर क्या जाएगा, नो एज लिमिट। लेकिन आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है वो वैकेंट कब कब होती है, वैकेंट कब कब होती है, ये आपको पता होना चाहिए। या तो अचानक से डेथ हो जाए, ठीक है, या तो अचानक से डेथ हो जाए, क्लियर, तब माना जाएगा, या फिर वो फौरन चले जाएं, ठीक है, तब माना जाएगा, या उनके ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस लगा हो, यानी महाभियोग की प्रक्रिया लगी हो, तब उनकी पोस्ट को खाली माना जाएगा, ठीक है। या फिर इसके अलावा जो है वो मेडिकल यानी हेल्थ इश्यूज के कारण जो हैं वो अपनी पोस्ट संभालने पे के लिए ना लायक हो, मतलब यानी वो अपनी पोस्ट ना संभाल पा रहे हो, ठीक है, अब मेडिकल हेल्थ इश्यूज के कारण, तो उस समय पर प्रेसिडेंट की पोस्ट को खाली समझा जाएगा, क्लियर। लेकिन इनकी कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती है, ये याद रखना। प्रेसिडेंट जी कितनी बार भी इलेक्ट हो सकते हैं, यानी एक पर्सन जो है वो कितनी बार भी प्रेसिडेंट बन सकता है, अगर उसके अंदर सारी वो क्वालिफिकेशन है जो कि चाहिए होती हैं, ठीक है, और ना ही इनकी कोई रिटायरमेंट एज होती है, क्लियर, ये सारी चीज़ें आप याद रखना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम, भारत के राष्ट्रपति की जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसको कहाँ से लिया गया है, तो दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम यूएसए। कहाँ से लिया गया है, यूएसए, यूएसए से आपका इम्पीचमेंट प्रोसेस लिया गया है, ध्यान रखना, ठीक है, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट के जैसा ही इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अदर जजेस का भी होता है, लेकिन वो यूएसए से नहीं लिया गया, तो ये याद रखना, नहीं लिया गया है, रिमूवल वाला लिया गया है, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, लेकिन एग्जैक्ट उसको इम्पीचमेंट नहीं बोला जाता, होती इसी के जैसी प्रक्रिया है, लेकिन एग्जैक्ट इम्पीचमेंट नहीं बोला जाता, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको हटाने की प्रक्रिया, इसके अलावा आपके फंडामेंटल राइट्स, इसके अलावा आपकी प्रैम्बल, ये सारी की सारी कहाँ से ली गई है, आपकी यूएसए से ली गई है, क्लियर, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, और ऑप्शन में हमें क्या क्या दे रखा है, एक बार ऑप्शन पर नज़र मार लेते हैं कि ऑप्शन में हमें और क्या क्या दे रखा है इसी क्वेश्चन के ऑप्शन में। यूके, यूएसएसआर और फ्रांस, देखिए यूके, यूके का इंपॉर्टेंट है, यूएसएसआर मैं बता चुकी हूँ आपको। देखिए यूके की अगर बात की जाए तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म यहीं से ली गई है, बाइकैमरल सिस्टम यहाँ से लिया गया है, बाइकैमरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम यहीं से लिया गया है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, रिट वगैरह ये सब भी यहीं से लिया गया है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं, क्लियर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय, देखिए अगर हमें मान लीजिए इम्पीचमेंट प्रोसेस चलाना है तो इंडिया के प्रेसिडेंट को कौन किसके द्वारा हटाया जा सकता है, पार्लियामेंट के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा या अटॉर्नी जनरल के द्वारा, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज पार्लियामेंट, क्या जाएगा, पार्लियामेंट, ठीक है, क्या जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पार्लियामेंट। देखिए संसद क्यों, देखिए जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है ना, जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है वो ईदर ऑफ द हाउस से स्टार्ट किया जा सकता है, ईदर ऑफ द हाउस, ईदर ऑफ द हाउस का मतलब है किसी भी सदन से स्टार्ट किया जा सकता है, किसी भी सदन से, किसी भी सदन से,
स्टार्ट किया जा सकता है। क्यों क्यों स्टार्ट किया जा सकता है किसी भी सदन से? क्योंकि प्रेसिडेंट, मैंने आपको बताया था, नीदर द मेंबर ऑफ लोकसभा, नीदर द मेंबर ऑफ लोकसभा नोर द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ना ही वो लोकसभा का मेंबर होता है और ना ही वो राज्यसभा का मेंबर होता है। कौन? प्रेसिडेंट। इंपीचमेंट प्रोसेस का आर्टिकल नंबर क्या है? 61। आर्टिकल नंबर क्या है? 61। ठीक है। और जिस समय पर इंपीचमेंट प्रोसेस चल रहा होता है उस समय पर प्रेसिडेंट की जगह देश के वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं, ये याद रखना। ठीक है। लास्ट में जो साइन होते हैं ना उस इंपीचमेंट, मान लो वो इंपीचमेंट प्रोसेस जो है वो पूरा मतलब प्रोसेस जो हो जाता है और ये पता चल जाता है कि भाई हाँ, देखिए इंपीचमेंट प्रोसेस राष्ट्रपति जी के ऊपर तभी चलाया जाता है, सिर्फ एक ही कारण हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जब वो संविधान के अनुसार काम नहीं करते, यानी जब उन्होंने संविधान का कोई उल्लंघन किया होता है तभी जो है राष्ट्रपति जी के ऊपर जो है इंपीचमेंट प्रोसेस चलाया जाता है। ठीक है। और जिस समय पर वो प्रोसेस चलाया जा रहा होता है तो उस समय प्रेसिडेंट जी तो साइड में होते हैं, तो प्रेसिडेंट जी की जगह काम कौन करता है? तो देश के वाइस प्रेसिडेंट। और मान लीजिए अगर मान लीजिए राष्ट्रपति के ऊपर जो प्रेसिडेंट चल मतलब जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस चल रहा है अगर वो प्रूफ हो जाता है तो उस इम्पीचमेंट प्रोसेस पे लास्ट में साइन कौन करेगा? तो राष्ट्रपति बनकर कौन साइन करेंगे? देश के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर? ये सारी बातें आप याद रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे। Who has served maximum times the Prime Minister of India? भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिकतम समय के लिए सेवा किसने करी है? ये सबको पता है, जवाहरलाल नेहरू। क्या है इसका करेक्ट आंसर? जवाहरलाल नेहरू। 47 से लेकर 64 तक, 1947 से लेकर 64 तक, है ना? 19 लिख दूँ समझ जाओगे, 1947 से लेकर 64 तक, इस टाइम तक जो है सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री बनकर कौन रहे हैं? लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ इंडिया, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। यस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। लास्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट कंट्री विच अडॉप्टेड प्रैम्बल फॉर इट्स फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। उस कंट्री का नाम बताना है जिसने जो है सबसे पहले प्रैम्बल को अडॉप्ट किया था। तो अभी मैंने आपको बताया उसका जो नाम है वो क्या है, दैट इज अमेरिका यानी यूएसए। देखिए मैं अगर अपने इंडिया की बात करूं, इंडिया में जो है प्रैम्बल का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आए थे? जवाहरलाल नेहरू। देखिए जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को क्या चलाया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन चलाया था, यानी इन्होंने जो है उद्देश्य प्रस्ताव चलाया था। ठीक है। इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के सामने, ध्यान से समझना, जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के सामने ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा था। अब उन्होंने रखा कि भाई ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब अडॉप्ट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब अडॉप्ट किया था? 22 जनवरी 1947। कब अडॉप्ट किया था? 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया था। और यही जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये बाद में जाकर क्या बन गया? प्रैम्बल बन गया। अब प्रैम्बल है क्या? प्रैम्बल इज द फिलॉसफी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज द फिलॉसफी ऑन विच आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर्म्ड। यानी प्रैम्बल वो फिलॉसफी है, वो स्ट्रक्चर है, वो फॉर्म है जिस पे हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। और इस पूरे संसार में सबसे पहले प्रैम्बल किसने अडॉप्ट किया था? दैट वॉज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्लियर? सो ये सारी की सारी चीज़ें प्रैम्बल से रिलेटेड है, इनको याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको ये पता होना चाहिए प्रैम्बल में अभी तक सिर्फ एक ही बार, ओनली वन टाइम अमेंडमेंट हुआ है। और वो कब हुआ था? 42nd अमेंडमेंट 1976 को हुआ था। हमारी प्रैम्बल में अभी तक सिर्फ एक ही बार चेंज हुआ है, यानी एक ही बार जो है संशोधन किया गया है। और वो कब किया गया था? 42nd अमेंडमेंट 1976 को किया गया था, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, सेक्युलर सोशलिस्ट सिक्योलर इंटीग्रिटी। ठीक है, ये याद रखना, ये 3 नए वर्ड जो हैं
1976 के 42nd अमेंडमेंट में के द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में ऐड किए गए थे, कौन कौन से, सोशलिस्ट, सिक्योलर एंड इंटीग्रिटी, क्लियर। सो ये सारा प्रैम्बल से रिलेटेड था, जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे के सारे मैंने आपको करा दिए। सो ये हमारा आज का सेशन था, होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है क्लास को मैक्सिमम लाइक करना, मैक्सिमम शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। इसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना आपको क्लास कैसे लगी और आप मुझसे कौन कौन से सब्जेक्ट, मतलब कौन कौन से बेसिकली टॉपिक्स के ऊपर आप मुझसे टीजर चाहते हो, क्लियर। सो अभी के लिए हम लोग चलते हैं, हम दोबारा मिलेंगे फिर नई एनर्जी के साथ, फिर नए जोश के साथ। टिल देन यू बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।